रेफरेंस विद मास्टर साहब बॉटनी अगेन अनअकैडमी लाया है आपके लिए इवॉल्व सीएसआईआर दिसंबर 2021 फिजिकल साइंसेस के लिए बैच सेकेंड जो है इसके लिए स्टार्ट हो रहा है आपका 17 मार्च को। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको ये जो है बैच के लिए पढ़ाएंगे, ललित कुमार, राहुल मेहता, सुरभि उपाध्याय। ओके, तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो इसका एनरोल करने का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके एनरोलमेंट कर सकते हैं। सेकेंड, अनअकैडमी इवॉल्व सीएसआईआर दिसंबर 2021 में ही फिजिकल साइंसेज में, अगर आप ये जो है सब्सक्रिप्शन आप इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, तो आपके लिए यही कंटेंट आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। और ये भी जो है आपका 17 मार्च से ही स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को लीड कर रहे हैं ओम प्रकाश, अंजलि अरोरा और साहिन सोरिफी। ओके, तो इसका भी जो लिंक है सेम है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। थर्ड, इवॉल्व सी एस आई आर यूसी ने दिसंबर 2021 के तहत ही आपको केमिकल साइंसेस के लिए प्रिपरेशन कराया जा रहा है। इसका बैच सेकेंड जो है स्टार्ट हो रहा है आपका 17 मार्च को, तो ठीक है। और हाँ, इसको लीड कर रहे हैं आपका नूरुल हुडा, जागृति शर्मा और कृपा सिंधु कर्माकर। ये तीनों जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं इस बैच को, बैच सेकेंड है केमिकल साइंसेस के लिए, वो इसको लीड करेंगे, आपको प्रिपेयर करवाएंगे। तो मौका है आपके पास, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फिजिकल साइंसेस और केमिकल साइंसेस के प्रिपरेशन के लिए, तो ये बैच सेकेंड जो स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च को, ये आप इसके लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है फिजिकल साइंसेस का, ये भी आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये जो केमिकल साइंसेस का बैच सेकेंड, इसके लिए भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सारा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहां पे जाना है, क्लिक करना है, आप पहुंच जाएंगे, सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी जो है हम जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करा रहे हैं। 6 पार्ट इसका हो चुका है और अभी मैं चल रहा हूं आपको पार्ट नंबर 7 का आंसर और एक्सप्लेनेशन देने। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट किसके द्वारा होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे एल्बिको कैंडिडा है वो आपको क्या कॉज करता है। मैंने आपसे बोला था कि डिजीजेस जो है ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो आप डिजीजेस और उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आप हमेशा याद रखेंगे। तो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट है वो क्या, किसके द्वारा होता है? सर्कोस्पोरा परसोनाटा। 76 पे आते हैं, राइस क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फंगस विच रिजल्टेड इन सीवियर फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1942 to 1943, इट वॉज ड्यू टू। देखिए अभी आप एक क्वेश्चन और आता है आपका, राइस फेमाइन, पोटैटो फेमाइन इन आयरलैंड, वो किससे होता था आपका? पाइडोथोरा इंपेस्टान से। और ये जो राइस क्रॉप है डिस्ट्रॉयड हुई है, बंगाल की बात है, सीवियर फेमाइन ऑफ बंगाल 1942-1943 से, ये किसके द्वारा हुआ था? हेलमिंथो स्पोरियम के द्वारा ये हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं हम, राइस क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अ फंगस विच रिजल्टेड इन सीवियर फेमाइन ऑफ बंगाल। सेम क्वेश्चन है ये, ऊपर वाला रिपीटेड है ये। ठीक, कि उसका जो फेमाइन ऑफ बंगाल हुआ था राइस क्रॉप पे, ये किसके द्वारा हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? हेलमिंथो स्पोरियम। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल डिजीज। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फंगल डिजीज नहीं है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट आपको पता है, अभी आपसे पूछा गया था सर्कोस्पोरा परसोनाटा। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ये भी एक्चुअली फंगस डिजीज है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली एक बैक्टीरियल डिजीज है। जैंतोमोनास एक्सोनोपोडियस पैथोजन वेराइटी कौन सा है? मालवे सेरम, उससे द्वारा ये कॉज होता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन किससे होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, ईयर कॉकल ऑफ वीट इज काज बाय, ईयर कॉकल ऑफ वीट ये भी डिजीज है, आपसे पूछा जाता है। प्लांट पैथोलॉजी आप पढ़ेंगे, इसलिए फंजाई का पार्ट नहीं है। प्लांट पैथोलॉजी में क्योंकि हम सारे चीजों का स्टडी करते हैं कि वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, निमेटोड डिजीजेस, तो वैसे ही जो ईयर कॉकल ऑफ वीट है ये एंगुइनाटिसाइड द्वारा कॉज होता है, जो कि क्या करता है? वीट सीड गॉल निमेटोड है और ये ईयर कॉकल डिजीज कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे हम आते हैं, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज कॉज्ड बाय, आपसे यहाँ पे पूछा है
ग्रीन ईयर जो डिजीज है बाजरा का, ये किसके द्वारा काज होता है? स्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, एरिसाइपी बीटी, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, फाइटोप्थोरा इंटेस्टांस। जो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा है किसके द्वारा होता है? स्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। इन वीट द एरगट एंड फ्लैक्स मट डिजीजेस आर रेस्पेक्टिवली काज बाय। वीट में पूछ रहा है एरगट और जो फ्लैक्स मट डिजीजेस होता है ये किसके द्वारा कॉज होता है, रिस्पेक्टिवली आपको बताना है। तो जो आप देखेंगे एरगट है, एरगट का हमेशा से रिलेशन किससे रहा है? क्लेविसेप्स से। आप हमेशा याद रखिएगा एरगट जो कि ह्यूमन में भी इसका वो है टॉक्सिसिटी, तो एरगट क्लेविसेप्स से है। वहीं जो दूसरा है आपका फ्लैक्स मट ऑफ डिजीजेस, ये मैंने आपको बताया था उसी टेबल में है, ये इंक्लूडेड यूरोसिस्टिस क्रिटिसाई के द्वारा ये होता है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। अ कंडीशन ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट यूज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय ए पैथोजेनिस। कह रहा है एक कंडीशन आपको बता रहा है जहां पे ओवर ग्रोथ होता है या एक्सेसिव डेवलपमेंट हो जाता है किसी ऑर्गन का, तो वो क्या है, किसके द्वारा होता है, किस, ठीक है, अगर कोई पैथोजन ये इन्फेक्शन कॉज करता है और ओवर ग्रोथ होता है तो ये क्या है? हाइपोट्रॉफी, अट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी। तो देखिए ओवर ग्रोथ का मतलब हाइपर, अब यहाँ पे प्लेशिया और ट्रॉफी से आप क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। हमेशा से याद रखिए ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन से होता है। तो जब आपका न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, एक्सेसिव ग्रोथ होगा, ओवर ग्रोथ होगा, ठीक। तो हाइपर ट्रॉफी क्या होता है, ओवर ग्रोथ होता है। वैसे एक टर्म में क्या है आपका, हाइपर प्लेशिया। प्लेशिया मीन्स वहां पे क्या होता है, सेल्स का डिवीजन ज्यादा होता है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। ट्रॉफी का मतलब न्यूट्रिशन से आप हमेशा याद रखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। हाइपरप्लेशिया नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं और हाइपरट्रॉफी में केवल सेल का इनलार्जमेंट होता है, ठीक। वैसे ही आप देखें क्वेश्चन नंबर 83 पे हम आते हैं। द एक्सेसिव इनलार्जमेंट ऑफ डिजीज्ड ऑर्गन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इज कॉज। कह रहा है कि एक्सेसिव इनलार्जमेंट हो जाता है किसी डिजीज ऑर्गन का बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। वही सेम चीज है, ओवर ग्रोथ यहाँ पे हो रही है, इनलार्जमेंट हो रहा है किसी डिजीज ऑर्गन का, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो ये क्या है? मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़े तो वो क्या है, हाइपरप्लेशिया, न कि हाइपरट्रॉफी। तो उससे आप गेस कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ओके पहली बात तो आपको डिफरेंस पता करना होगा, पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो लिविंग टिश्यू में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे सेप्रोफाइट्स है वो डेड टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब आता है आपका फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट या फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो देखिए जब मेन कोई है, जैसे पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, वो हमेशा लिविंग टिश्यू पे ही डिजीज कॉज करेगा। ऐसे ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट वो हमेशा सेप्रोफाइट से ही न्यूट्रिशन कॉज करेगा। लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव का मतलब अल्टरनेट, आप समझ लीजिए अल्टरनेट पैरासाइट। ओरिजिनली क्या होते हैं ये, ओरिजिनली ये सेप्रोफाइट होते हैं लेकिन ये फैकल्टेटिवली पैरासाइट की तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे अगर फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट की बात करें तो वो क्या होता है, ओरिजिनली वो क्या होता है, पैरासाइट ही होता है लेकिन वो फैकल्टेटिवली सेप्रोफाइट के रूप में ग्रो कर सकता है। तो ये इन टर्म्स का ध्यान रखिएगा। अच्छा तो ये क्या है, दे नीड होस्ट प्लांट टू कंप्लीट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद होस्ट, दे कॉज मोर सीवियर डिजीज देन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, दे आर अल्टरनेटली सेप्रोफाइट्स एंड मे बिकम पैरासाइट्स समटाइम। तो वही है ये फैकल्टेटिव पैरासाइट, मतलब ऑप्शन नंबर 4, दे आर अल्टरनेटली सेप्रोफाइट, मतलब यूजली क्या होते हैं, सेप्रोफाइट ही होते हैं लेकिन कभी कभी ये पैरासाइट्स की तरीके से भी काम कर लेते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 84 तक का, ठीक, छठा पार्ट था ये। इसमें भी बहुत सारी चीजें मैंने कवर की, तो वही है बार बार आपसे डिजीजेस पूछे जा रहे हैं कि कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछे जा रहे हैं, ये सब आप याद रखिएगा और आप देखते रहिए आपका चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाकी के जो सारे क्वेश्चन हैं, इसका भी हमारा जो पार्ट्स हैं वो कुछ ही बचे हैं, 3-4
तीन शायद तीन पार्ट्स में जो है ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन इस फंजाई सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो हम लगभग सारा कुछ खत्म करने के उस पे हैं, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एग्जाम से पहले मैं सारा का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व करा दूंगा किसी भी हालत में, चाहे मुझे एक दिन में तीन तीन चार चार घंटे का वीडियो ही क्यों ना डालना पड़े। ओके, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए अपने से, बाकी मैं ये सब तो सॉल्व करा ही रहा हूँ। चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।